नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ पाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक एंड डिजिटल क्लासेस फॉर 11th, 12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA and CS all level for offline smart classroom study program, online live virtual classes and Sahas application recorded sessions. दोस्तों 12th commerce में इस वक्त हम लोग study कर रहे हैं हमारा subject SP and CC, जिसके SP वाले part में हम लोग start करने जा रहे हैं हमारा chapter number 6, जिसका की नाम है मीटिंग्स ऑफ कंपनी। और इस चैप्टर के आज के इस पहले सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक नंबर 1, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। अब दोस्तों ये सेशन और ये चैप्टर के और ये सब्जेक्ट के सारे सेशंस और सभी सब्जेक्ट के सभी सेशंस आप लोगों को एक्सपीरियंस करने हैं, तो आप आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें, जहां पर बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो आज ही इसका बेनिफिट लेके अपना नॉलेज और रिजल्ट जरूर बढ़ाइए। चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। हमारे जो चैप्टर का टाइटल है दैट इज मीटिंग ऑफ कंपनी। तो आप सब लोग टेक्स्ट बुक ले ले, पेन पेंसिल हाइलाइटर अपने साथ रखे और मेरे साथ साथ जरूरी सारी चीजों को समझना है, साथ में टिक मार्क और हाईलाइट भी करोगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1, जो कि है बेसिक इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। तो देखिए, अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है एस्टैब्लिश्ड अंडर द लॉ, एंड द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज कंडक्टेड बाय डेमोक्रेटिक मैनर, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। डेमोक्रेटिक मैनर में कैसे? जो कि मैंने आपको आगे वाले चैप्टर में समझाया था कि कंपनी के बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जिनको हम कहते हैं डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं। शेयर होल्डर्स आर ऑथोराइज्ड to take decision for the smooth running of the business in company, and all the members of the company may be unable to remain present for the routine function of the company. So management of the company, that means ke directors are appointed by the shareholder by the majority decision, yani ke election se. Now it is mandatory to call first general meeting, मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी टू कॉल फर्स्ट जनरल मीटिंग एज सून एज न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी स्टार्ट फंक्शनिंग। मतलब जैसे ही एक नई कंपनी अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, तुरंत उनको अपनी पहली जनरल मीटिंग दोस्तों शेयर होल्डर्स की होती है, याद रखना। जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। तो ये कंडक्ट करना बहुत जरूरी है। इफ द कंपनी हैज इश्यूड द डिबेंचर्स देन इट इज नेसेसरी टू कॉल द मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ऑल्सो फॉर द सेफगार्ड ऑफ देयर इंटरेस्ट। इवन एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी इट इज नेसेसरी टू कॉल द मीटिंग फॉर द डिसॉल्यूशन। किसके लिए? डिसॉल्यूशन का डिसीजन लेने के लिए, फॉर डिस्कशन एंड टेकिंग डिसीजन ऑन द वेरियस इश्यूज। Thus, after the establishment of company, important is meetings are important for routine work, annual performance, strategic decisions making, etc. तो इसीलिए अपने को ये companies meeting के बारे में समझ रहा है। देखो मैं आपको एक example के through ये सारी की सारी चीजें समझा देता हूं कि क्या है ये meeting और क्यों जरूरी है। देखो जैसे कि हमने देखा कि एक company establish हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ये है अपनी प्यारी जबरदस्त प्रोग्रेसिव साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। अभी इसके अंदर हमें पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कंपनी में पैसा लगाते हैं और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको कि हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर्स। ये हमारे कौन है? शेयर होल्डर्स, जो कि बहुत सारे होते हैं। अभी ये शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो ये सारे के सारे लोग तो कंपनी में रूटीन काम करने के लिए आ नहीं सकते, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने में से ही किसी ना किसी को एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए, उनको इलेक्ट किया ये सारे शेयर होल्डर्स ने मिलकर ही। ये है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी, उनको अपॉइंट किया। ये है मिस्टर सी और ये है मिस्टर डी, इन लोगों को शेयर होल्डर्स ने ही अपॉइंट किया। ये है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स, जो कि कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, यानी कि डेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी के मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट किया। ठीक है, अभी ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी अलग अलग जगह से ही होंगे, तो उन लोगों में से भी कुछ पर्सन को वो लोग अपॉइंट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये हम सबके बिहाफ में कंपनी के मैनेजमेंट और डे टू डे रिलेटेड काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से ये लोग मिस्टर बी को इलेक्ट करते हैं एज मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि कंपनी का रूटीन वर्क और कंपनी के जो पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बनाई हुई है उसके इंप्लीमेंट का काम करते हैं। ठीक है, ये पूरी सीक्वेंस होती है। अभी काम ऑलमोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर रूटीन बेस का करेगा, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का करेगा, जो कि होता है अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही ये मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया है। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ऐसा भी नहीं होता है कि वो अपने मर्जी के मालिक होते हैं, क्योंकि उनको भी अपॉइंट किया हुआ है शेयर होल्डर्स ने, हु आर द रियल ओनर्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो काम करते हैं अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर्स। नो डाउट उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, बट ओवरऑल उनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, शेयर होल्डर्स का। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि ये सब लोगों की टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहे। तो ये शेयर होल्डर्स होंगे, प्लस अगर कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए होंगे तो डिबेंचर होल्डर्स भी होंगे। तो जरूरी क्या है कि ये जितने भी पार्टीज होती है, जैसे कि ये शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर हो गए, तो उन लोगों की टाइम टू टाइम मीटिंग का मिलना जरूरी है। उसी तरह से ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन लोगों का भी टाइम टू टाइम मीटिंग करना बहुत जरूरी है। ये हमें पता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको साल में कम से कम एक बार मिलना ही होता है, जिसको हम कहते हैं AGM, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग। और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको एटलीस्ट 4 times a year मीटिंग करनी होती है। तो यहां पर मीटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि कंपनी का स्मूथ फंक्शनिंग होता रहे। तो इस चैप्टर में हमको ये कंपनी की जो अलग अलग मीटिंग्स होगी, चाहे वो शेयर होल्डर्स की हो, चाहे वो डिबेंचर होल्डर्स की हो, चाहे वो डायरेक्टर्स की हो, तो ये मीटिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें अपने को सीखनी है। तो ये चैप्टर आपको कॉन्सेप्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कामना है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये सारी चीजें आपको काम लगेगी। यही सारे चैप्टर्स अगर आप आगे चल के कंपनी सेक्रेटरी जैसे प्रोफेशनल कोर्स में जाते हो तो भी ये एसपी का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत काम लगने वाली है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि 12th के बाद अगर आप प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं तो कंपनी सेक्रेटरी एक बेहतरीन ऑप्शन है जो कि आप सबको सिलेक्ट करना चाहिए। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में जाने, उसके बहुत सारे सेशंस हमने साहस एप्लीकेशन पे डेमो फ्री में रखे हुए, वो आप देखें। और अगर आपका मन रेडी होता है ऐसे बढ़िया प्रोफेशनल करियर के साथ अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने का, तो आप साहस इंस्टीट्यूट में जुड़ सकते हैं या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अभी हम लोगों को काम करना है मेन चीज मीनिंग के ऊपर। ये जो इंट्रोडक्शन था वो तो सिर्फ समझने के लिए था, मीटिंग का मीनिंग ये आपको एग्जाम ओरिएंटेड काम लगेगा, क्योंकि अगर मीटिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन या मीनिंग लिखना चाहिए। तो मीटिंग मींस व्हेन टू और मोर पर्सन, क्या कहा है, व्हेन टू और मोर पर्सन मीट एट वन प्लेस टूगेदर। मीट मीन मीन वर्ड्स क्या है, मिलते हैं, डिस्कस एनी इश्यू एंड अराइव एट कॉमन डिसीजन, तो उसको बोलेंगे मीटिंग। क्या कहा, मीटिंग क्या है, जहां पर दो या ज्यादा लोग, ये दो या ज्यादा लोग कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मिलते हैं, मीट एक साथ मिलेंगे, कुछ ना कुछ जरूरी चीजों को डिस्कस करेंगे एंड अराइव एट सम डिसीजन, कि भाई हम लोगों ने मिलकर जो डिस्कशन किया उसके ऊपर से हमने ये कोई एक स्पेसिफिक डिसीजन लिया हुआ है, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे मीटिंग। ठीक है, तो मीटिंग में क्या होता है, दो या उससे ज्यादा लोग, मोर टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन, वो मिलते हैं, डिस्कस करते हैं एंड अराइव एट कॉमन डिसीजन। नाउ ये चीज आपको जरूर से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। मेन मेन वर्ड्स भी मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं दोस्तों।
टू और मोर पर्सन मीट डिस्कस एंड अराइव एट कॉमन डिसीजन, ये आपके आंसर में जरूर लिखना है. नाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीटिंग्स ऑफ मेंबर आर कॉल्ड टू डिस्कस वेरियस इश्यूज एंड टेक द डिसीजंस. फॉर्मल मीटिंग्स आर कॉल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट टाइम प्लेस फॉर द इश्यूज और एजेंडा फॉर डिस्कशन एंड डिसीजन. जबकि इनफॉर्मल होती है वो तो हम कभी भी मिलके कहीं पर भी कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, चुगली करना भी हम कहते हैं इसको. पर यहां पर हम लोगों को मेजर बात करनी है वो है फॉर्मल मीटिंग की. तो फॉर्मल मीटिंग में पर्सन जो है वो स्पेसिफिक डेट टाइम प्लेस पर मिलते हैं कोई स्पेसिफिक इश्यू को डिस्कस करने के लिए. तो इस पूरे सेशन में से आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड याद रखना है वो क्या है, ये मीनिंग ऑफ मीटिंग. क्लियर हुआ दोस्तों यहां तक? तो दोस्तों आप लोग इसको सिर्फ मीनिंग को प्रॉपरली 2-3 बार लिख दीजिए और पूरे कॉन्सेप्ट को नॉलेज को सिर्फ अपने माइंड में एक बार रिकॉल करिए. और इसके आगे के सारे सेशंस इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे हमारे साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर, जिसके की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. ये सारा का सारा मटेरियल भी एप्लीकेशन पे है. इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट के बेहतरीन प्रिपरेशन के मटेरियल, रिवीजन नोट्स, रिवीजन सेशंस, वीडियो सेशंस, सारी चीजें, बोर्ड के पेपर्स, पास्ट पेपर्स का डिस्कशन, एमसीक्यूज, बहुत सारी चीजें वेल प्लानेड मैनर में आपको साहस ऐप पर मिल जाएगी. जहां पर आप लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट ऐसा समझो इस फीस पर बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और साथ में अगर आपके और कोई भी फ्रेंड्स, चाहे वो 11th 12th कॉमर्स में हो, FYSY, TY, BCOM, CA या CS के कोई भी लेवल में बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें या साहस इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन सेंटर्स करलीबाग, सयाजीगंज या वागोड़िया रोड पे ज्वाइन कर सकते हैं. और दोस्तों हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे. दिस इज मी भाविंसा साइनिंग ऑफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.